हूँ मैं आपका शिक्षक व्यवसायिक दीपक सिंह। अगले एक चैप्टर सामान्य आधारित विषय में उद्यमता के विकास में उद्यमी क्षमता, ये भी छोटा चैप्टर है। एक क्वेश्चन जरूर देता है इसमें से कि उद्यमी क्षमता का अर्थ क्या है। तो व्यापार को शुरू करने के लिए पूंजी लगाना, समय, धन और प्रयत्नों को या जोखिम उठाकर व्यापार सफल बनाना है, ये जैक्सन के ने जी ने कहा। ये तो यही सब चीज़ें हैं और इसमें आपको राहें तो विशेषताएं देखें तो उद्यमिता में जोखिम उठाने की क्षमता और रचनात्मक क्रिया ये सब होनी चाहिए। विशेषताएं उद्यमिता की ये आप पढ़ भी रहे हैं और एक पेशेवर क्रिया भी है उद्यमिता का, और ये परिवर्तनों का परिणाम है क्योंकि उद्यमिता नहीं होगी तो परिवर्तन से ही ये है। और इसमें जीके के बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसलिए मैं इस चैप्टर को ले रहा हूँ। उद्यमिता क्षम जो है सूक्ष्म लघु मध्यम विकास अधिनियम 2006 में बना, ये देखें आप। और इसके अंतर्गत जो है इस अधिनियम में 50 श्रमिक वाले लघु मध्यम उद्योग पर ये कानून श्रम कानून नहीं लागू होगा, और इसके बाद ऊपर वाले पर जो है श्रम कानून लागू होगा जो कि 3 करोड़ से सॉरी 5 करोड़ से ऊपर होंगे, 3-5 करोड़ से। और नया उद्योग उत्पादित करने के चरण तो आप जानते ही हैं, उत्पाद का चयन करना और प्रारंभिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, स्वामित्व निर्धारित करना, कौन मालिक रहेगा, स्थान का चुनाव करना, फैक्ट्री कहाँ रहेगी, जमीन खरीदना, टेंडर करना, विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, पंजीकरण कराना, वित्तीय योजना तैयार करना, ये सब योजना आपको बनानी होगी तभी आप एक कोई नई इंडस्ट्री लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें ऋण की अनुमति लेना, मशीनरी के लिए ऑर्डर करना, विद्युत कनेक्शन, आयकर और बिक्री कर, आयात, कच्चा माल, कार्मिक व्यवस्था, कच्चा माल, ट्रायल रन, मूल्य निर्धारण, विपणन, बेचिंग कैसे, लिखना, लेखा वेखा और वाणिज्य मतलब कॉमर्स थोड़ा सा इसमें रहेगा तभी ये काम हो पाएगा। आगे हम और बढ़ेंगे तो डिटेल में जाएंगे, पहले छोटा चैप्टर है ये। लघु उद्योगों के साथ सरकारी नीतियाँ जो हैं आपकी और कार्यक्रम प्रोत्साहित करने के लिए जिला उद्योग केंद्र है, देखिए भारत में सन 1978 में बनाया गया था, जीके का है, DIC बोलते हैं इसको। और ये शॉर्ट में ही जिला उद्योग केंद्र पे आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं, कक्षा 12 के पास बाद आप कुछ भी लोन लेके अपना इलेक्ट्रॉनिक दुकान भी खोल सकते हैं। और इसके लिए जिला उद्योग केंद्र जनरल मैनेजर भी हैं, पंजीकरण करते हैं, सुविधाएं प्रदान करते हैं, वित्तीय सहायता देते हैं, वाणिज्यिक बैंक भी हैं जो यही बैंक उद्योग केंद्र आपको बैंक से आप जो बना के और 50,000 का मुद्रा लोन आजकल मिल ही रहा है, और बहुत सी सरकारी योजनाएं हैं तो उनमें मुख्य उद्देश्य कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना रहता है। इसमें आप छोटे लोन लेके आप जा सकते हैं। रांची वित्तीय निगम भी जो है SFC आपसे शॉर्ट फॉर्म में पूछता है, तो ये भी जो है लघु इकाई को भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी वित्तीय योजनाएं चलाई जाती हैं, प्रोत्साहन योजनाएं भी चलाई जाती हैं और आधुनिकीकरण योजना भी है, और लघु सेवा संस्थान के बारे में भी दिया गया है। और विभिन्न संगठन और भी हैं, चर्म विभाग, धातु विभाग, सिरेमिक, कांच विभाग, ये भी आपको उद्योग प्रदान करते हैं। तो ये आपके राज्य वित्त निगम से जो है लघु सेवा संस्थान से आपको मिलते हैं, ये जीके की चीज़ है। और 2 अप्रैल 90 को आप देखें तो लघु उद्योग विकास बैंक की सिडबी जो आप बहुत पढ़ते हैं तो इसकी स्थापना की गई 21 ब्रांच है के साथ पूरे भारतवर्ष में। ये बैंक काम कर रहा है, सामान्य योजना और कुटीर उद्योग लघु उद्योग को देता है, दवा व्यवसाय के लिए योजना देता है, महिला के लिए देता है और सीधी सहायता देता है। राष्ट्रीय एक नाबार्ड बैंक बना, राष्ट्रीय कृषि और इसकी भी 82 में बना, जुलाई 82 में। आप देखें ये जीके का क्वेश्चन है और ये भी आपका मतलब ये बहुत बड़ा बैंक है। और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम भी आपका बना और इसमें भी जो है सुविधाएं दी गई लघु उद्योग निगम के अंतर्गत। आपको संस्था देसी विदेशी दोनों प्रकार की मशीनें उपलब्ध कराती है ये सहायता। और भी इसके अंदर आप उद्योगों के नाम देखें, खाद्य, बहुत से उद्योग हैं लघु उद्योग के अंदर, आरक्षित वस्तुएं भी हैं और उनका वितरण मैं इसको शॉर्ट में करना चाह रहा हूँ इसलिए इस पर रोकता हूँ। आप इसके अंदर देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप जो है संबंधित उद्योग कागज़ से लेके हौजरी, कपड़ा, रेशम, कास्ट, रबड़, प्लास्टिक और रसायन, डाई, कांच, मतलब विद्युत उपकरण, मशीन, बहुत सी चीज़ें आप जो है लघु उद्योग में बना सकते हैं। और इस पर क्वेश्चन भी बड़े आसानी से आप जो है आपसे पूछे गए हैं जो कि बहुत आसान है। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के प्रमुख कार्य को लिखिए, कुटीर उद्योग का अर्थ बताइए,
कुटीर उद्योग वही मिट्टी के बर्तन, चटाई बनाना, ये सब चीज़ें जो गांव में बनती हैं वो कुटीर उद्योग हैं। और लोग उद्योग, राइस मिल आप घर में देख ही रहे होंगे। बैंक उद्योग की किस प्रकार से सहायता करता है आप जानते ही हैं। जो है बैंक जो है व्यापारी संगठनों को जो है आजकल मुद्रा लोन भी दे रहा है। तो बड़े बड़े पैमानों में उद्योग धंधे जो 5 करोड़ से ज़्यादा के हैं, चीनी मिल, लोहा मिल, इस्पात मिल, ये दे रहे हैं, जूट मिल, तो इनके लिए 4 संस्थाएं, अगर आप पूछते तो उद्योग निदेशालय, जिला उद्योग, राज्य वित्त निगम, औद्योगिक विकास निगम, ये इनको आपको दे रहे हैं, लोन भी देते हैं। और जिला उद्योग कार्यक्रम क्या क्या सेवा प्रदान करता है, देखिए 1 मई 1988 से जिला उद्योग जो है ये काम शिक्षित बेरोजगारों को दे रहा है। मैंने कई छात्रों का इससे दिलाया भी है, और ये लोन लेके अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाने में सहायता करते हैं। और आपको अभी मैं बताऊंगा आगे कैसे बनाते हैं, और वो खुद बना के आपको देते भी हैं, और आपको जो है क्षमता का अर्थ दीजिए, परिभाषा दीजिए। और यही चीज़ का आपका बड़े क्वेश्चन में आपको पूछ दिया गया है कि बैंक उद्योग किस प्रकार सहायता देता है, व्यावसायिक विचार क्या है, और उद्यमितीय क्षमता क्या है आपकी, लघु उद्योग में कौन कौन सी संस्था हैं, और बस यही आपका कुटीर उद्योग क्या है, कैसे है, यही चीज़ इसके अंदर है। एक क्वेश्चन है, और अधिकतम 3 शब्दों में 2 पेज में बोलता है, तो ये आप समझें 3 पेज में भी आप लिखें तो बढ़िया रहेगा, अच्छा नंबर मिल जाएगा आपको। मैं 2 पेज सॉरी बोल गया आपको, 300 शब्दों में अगर लिखेंगे तो 3 पेज लग जाएगा, तो 3 पेज आप तक जाएँ, तो 3 पेज जो इस तरह के क्वेश्चन हों तो इस पर 3 पेज जाएँ। सॉरी मैं आपको गलत बोल गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पहले भी मैंने माफ़ी मांगी आपसे, एक बार मांग रहा हूँ, तो कुछ बोलने में गलती हो जाए, कुछ छूटे तो मैं पहली बार कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा मुझे माफ़ करिएगा। और मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि इस चैनल को एजुकेशनल ही रहने दूँ, और मैक्सिमम आपको नॉलेज दिया जाए, पहले तो इस सब्जेक्ट की नॉलेज दी जाए अपना जो पढ़ा रहे हैं, उसके बाद फिर और भी देखा जाएगा जैसा आप लोगों का इच्छा रहेगी क्लास में। तो मैनी मैनी थैंक्स दीपक सिंह, और इस बार कुछ नई बातों के साथ जो है आपको एक देता हूँ, सुंदरकांड में एक चौपाई है, ढोल गंवार सुधर पशु नारी, यह सब ताड़न के अधिकारी, तो ये गलत है। ताड़न के अधिकारी का अर्थ होता है कि ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं, मतलब इनको शिक्षा देनी चाहिए, ये आप सुंदरकांड में पढ़ सकते हैं, ये आज की शिक्षा है आपके लिए। तो ये इसका गलत मत अर्थ निकालें, और ये हमारे तरफ से शिक्षा है आज की इस चैनल पे, मैं क्लास में भी देता हूँ, यहाँ भी दे रहा हूँ। मैनी मैनी थैंक्स अगेन दीपक सिंह, आपका शुभचिंतक।